जिला अधिकारी के निर्देश पर बुधवार को मधोपुर प्रखंड के सहर उत्तरी पंचायत भवन परिसर में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अंचलाधिकारी रामकुमार पासवान ने किया। वहीं इस शिविर में भूमि विवाद अतिक्रमण से संबंधित कई शिकायतें सामने आई। वहीं वृद्धावस्था पेंशन आवास योजना नल जल समेत कई मामलों पर सुनवाई के लिए संबंधित अधिकारी को आवेदन दिया गया, जिस पर त्वरित कार्रवाई का आदेश भी दिया गया। वहीं CDPO अंजना कुमारी व LS अपना कुमारी पंचायत के 62, 63, 64, 65, 26, 27, 116, 141 समेत कुल 12 आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां बच्चों की उपस्थिति, THR, पोषण दिवस, गोद भराई समेत संचालित योजना की सेविकाओं से समीक्षा की गई। वहीं कई केंद्र पर मिली गड़बड़ी को भी ठीक करने का आदेश दिया गया। वहीं रामनगर के ग्रामीण द्वारा अतिक्रमण की शिकायत पर CO के निर्देश पर CI ध्रुव कुमार, अंचल अमीन सिकंदर कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचकर विद्यालय परिसर में किए गए अतिक्रमण को खाली कराते हुए बंधे मवेशी और नाद को हटाया गया और रास्ते पर हुए अतिक्रमण को भी खाली कराया गया। वहीं शिविर में जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार पहुंचकर शिविर का जायजा लिए। इसके बाद PDS, नल जल, आवास समेत विभिन्न योजनाओं का धरातलीय निरीक्षण कर संबंधित पदाधिकारी और कर्मियों का आवश्यक निर्देश दिया गया। शिविर में मुखिया प्रदीप कुमार यादव, CI ध्रुव कुमार, BAO प्रनाथ सिंह, BO अवधेश कुमार, स्वच्छता समन्वयक राजकुमार ठाकुर, नल जल JE सुनील कुमार, PO प्रवीण कुमार समेत अन्य अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे गांव का विद्यालय का भूमि अतिक्रमण किया हुआ है, और जो विद्यालय का भूमि है उस पर अभी सड़क कर दिया, सड़क पर लोगों ने, सड़क के जमीन पर लोग अपना दरवाजा घर वगैरह सब बना के रखे हुआ है, और लगभग ये रामनगर में जब आप प्रवेश कीजिएगा तो वहाँ से लेकर गांव का आप आखिरी ब्रह्म स्थान तक भी जो जाएंगे ना तो आपको पूरा ये अतिक्रमण मिलेगा आपको सड़क का, तो पूरा सड़क जो रामनगर का अतिक्रमण है जी। तो सबसे पहला है कि मेरा दो डिमांड है कि विद्यालय का भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, क्योंकि उस भूमि में कुछ ऐसा भूमि है खाली रह गया जिसके कारण आए दिन वहाँ विवाद होते रहता है, तो इस विवाद से निष्पादन करवाया जाए और विद्यालय का भूमि जो है विद्यालय को दिया जाए, यही मांग है। और दूसरा सड़क जो है जिसके कारण कितने मीडिया वाले हमारे गाँव में पहुँच चुके हुए हैं और सभी ने देखा है, इसमें भर भर ठेना वहाँ पानी रहता है, उस विद्यालय में आंगनबाड़ी है, टीकाकरण सेंटर है, कभी कभी गर्भवती स्त्रियाँ मोटरसाइकिल से कितनी बार गिर चुकी हुई है, पानी का निकासी का व्यवस्था नहीं है, वहाँ नाला कहाँ बनाएगा, विकास तो रुका हुआ, अतिक्रमण मुक्त जब तक नहीं होगा तब तक जल निकासी नहीं हो पाएगी। CO साहब क्या बोले हैं? आवेदन CO साहब का कहना है कि इसमें खाता खेचा, अभी अब हम खाता खेचा कहाँ से निकला करें। अच्छा, तो शिविर में निदान नहीं मिला? निदान होता तो आप बताइए, अभी हम ये खाता खेचा कहाँ से लाने के लिए जाए, नक्शा क्या कोई भी व्यक्ति के पास, आम व्यक्ति के पास नक्शा रहता है? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण यादव। हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।